साउंड करते हैं ठीक ठाक वाला। GI का मॉडल है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। से सबसे ऊपर आएगी डायना, स्टॉर्म राइडर जैन 3 रेगुलेटेड है। इससे पहले जैन 2 आता था, जैन 2 में बहुत कमियों का सामना अपने भाइयों को करना पड़ रहा था। खुला है, जिसने PS-100 को चला लिया, PS प्रेसी होल की राइफल को, उसके बाद इसकी डिमांड करेगा पक्का, क्योंकि इसके जो ग्रुप है और इसकी जो गोली जब ट्रेवल करती है करीबन आपके लॉन्ग डिस्टेंस के टारगेट को, तो वहाँ पे एक्यूरेसी का सब कुछ खेल होता है, हमेशा पावर का खेल नहीं होता। और इसका बोल्ट भी कुछ इस तरीके से आपको दिखता है रियल जैसा। और इसके आगे क्या सिंगल ट्रे भी इसमें यूज होता है, जैसे प्रेसी होल में यूज होता है। अब आगे करने पर इसमें सेफ्टी लॉक का भी यहाँ पे तगड़ा एक फीचर है। एक रेडियम का यूज करते हैं इसके एम में, जो आपको नाइट में भी दिखेगा। इसमें भी यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्रीन। आपको एम बनाने में अंधेरे में जब रात होती है तो निशाना डायरेक्ट आपका हिट लग। सेम बोल्ट कंडीशन, नाइट्रो पिस्टन। लोड करने की व्यवस्था की बात करें, इसका इजीली लोड होता है, इसका हार्ड लोड होता है। और इसके सेफ्टी लॉक पीछे रहेगा, तो ट्रिगर ऐसे भी वर्क नहीं कर सकता जब तक ये आगे नहीं होगा। NX200 और HDB नाइट्रो में, तो HDB नाइट्रो सबसे बेस्ट है NX200 की अपेक्षा। हमारे पास इन सभी गन्स को बेचने के लिए लाइसेंस है। कोई भी भाई ऐसी वीडियो घर पे ना बनाए। दोस्तों, आपके सामने जो स्टॉक है जिसकी आप फरमाइश करते हो वो हमने लगा रखा है। आर्मर के सभी ब्रांड आ चुके हैं, जो आर्मर से सब लव करता है, सभी आर्मर के सभी कैटलॉग आ चुके हैं। और कुछ ये वाली एयरगन्स भी है, आज हम इनके बारे में बताएंगे। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब भाई अच्छे हैं। स्वागत है आपका LV एयरगन हाउस में। LV एयरगन हाउस स्पेशल, जो ये जितने भी आप वेपन्स देख रहे हैं ये सिर्फ नो लाइसेंस रिक्वायर्ड है और इनके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगेगा। चाहे आपके इलेक्शन का दौर चल रहा हो, चाहे आचार संहिता का, ये वेपन किसी भी प्रशासन की कस्टडी में नहीं जमा होते। आप इनको परचेज कर सकते हैं। बाकी हम सभी एयरगन को आपको दिखाएंगे और उनके बारे में, सबके बारे में सब बताएंगे क्या है। शुरुआत करेंगे आज हम लो प्राइस से, सबसे लोएस्ट प्राइस से। पैसे आपके साथ अभी से इनका फरमाइश वेपन, पावर का एयर पिस्टल। ये एक एयरगन है, ये स्पेशल डिस्प्ले के लिए मैंने रखा हुआ है। बाकी ये वर्क भी करता है पूरा और देखने में कुछ तगड़ा ही यूनिक है। ये वीडियो आपके सामने है सफारी की एयर राइफल, जो कि एक सिल्वर की तरह इसकी जो कि बॉडी है ये कुछ इस तरीके से धूप में एक चमक का रूप देती है। और इसमें निशाने लगाने का पूरा ये भी है। और अपने स्पेशल किसान भाइयों के लिए सबसे लोएस्ट बजट के अनुसार, सबसे जो स्टार्टिंग ही होती है एयरगन की, तो आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा। ब्रेक बैरल इसके जो नीचे का पीछे जी आप अपने यहाँ पे लगाते हैं। तो सफारी का जिस तरीके से मॉडल आपने देखा, आप सोचोगे कि इसमें की साउंड कितना होता है, ये भी हम आज इसकी रियल की वीडियो में आपको प्ले करके जरूर दिखाएंगे। ये इसका दूसरा मॉडल है, इस पर कोई ऊपर का वो निशाने लगाने का कोई साइट नहीं है। और इसको हम आपके लिए ला रखे हैं पैलेट्स और मैं यहाँ से करूँगा इसका साउंड फायर। जो भी जब साउंड कोर का आप लगाओगे तो शुरू में आप पैलेट लगाओ, इसकी पूरी बैरल को सेट ना करें। साउंड कोर कुछ मेरे पास ऐसे हैं जो कि ट्रिपल पावर से ठीक ठाक ऊपर वाले हैं और इनको हम कोरियर नहीं कराते, सिर्फ जो ऑफिस पे आ सकता है वो ही इसको परचेज कर सकता है। इसे आगे लगाया, पूरी बैरल को सेट ना करें और इसका हल्का सा पुश करा और फायर के लिए ठीक किया। अब सूखने वाले कुछ इस तरीके से चलता है।
अपना साउंड करते हैं ठीक ठाक वाला, क्योंकि दिन की अपेक्षा रात में इसका साउंड का कुछ ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा इसका साउंड कुछ सुनने को मिल जाता है। और अभी लॉन्च शुरू कर रहे हैं, दूसरी है डबल बैरल की कुछ इस तरीके से दिखने वाली ये राइफल, GI का मॉडल है, नो लैस इज रिक्वायर्ड। इसको भी देखेंगे इसका क्या रिजल्ट बनेगा। जितने भी मैं स्पेशल इनका दिखा रहा हूँ कि कोई भाई ये ना सोचे कि इसमें साउंड को लगेगा कि नहीं लगेगा। आगे से पुश करा, इसी तरीके से आपको साउंड को लगाना है। और ये इसकी कैंट की आवाज बात करें ओकी वेट में कुछ ये गन इस तरीके से आती है। इसको भी देखेंगे इसमें कितनी क्या पावर है। बस इसका थोड़ा सा लोड करने का तरीका अलग है, इसमें थोड़ी सी ताकत आपको ठीक ठाक वाली लगानी पड़ेगी। इसका फायर हम करेंगे तो खोपड़ी सी तो लगी जिससे बता दूं तो इसमें इसका देखेंगे क्या पता चलेगा नहीं चलेगा, पर उम्मीद है ये धूम मचा सकता है। इसमें पैलेट लगाया, चल चुका है इस तरीके से साउंड करेगा। मतलब कितने आपको वेपन दिख रहे हैं ये सारे इस तरीके से इसमें फायर करेंगे। और अब शुरुआत करते हैं थोड़े से, जो लोएस्ट बजट का था ये कंप्लीट हो चुका है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, सबसे लोएस्ट बजट में ये आती है। अब गेम शुरू होगा इनसे। बात करें NX200 एथीना नाइट्रो पिस्टन पे है और ये काफी पहले से इंडिया में धूम मचा रही थी और इसकी टक्कर पे एक से एक वेपन आ चुके हैं। इसमें सेफ्टी लॉक भी इस तरीके से देते हैं, जो भाई जैसे हमने लोड कर दिया और सेफ्टी लॉक लगा तो आप इसे फायर करोगे तो नहीं होगा जब तक ये आगे नहीं होगा। तो जब ये सेफ्टी लॉक लॉक होता है ऑटोमेटिकली तो नहीं चल पाएगा, इस तरीके से आप कितना पुश करो जब तक ये आगे नहीं होगा तब तक ये फायर नहीं होगा। इसकी टक्कर पर रिलीज करी है, इससे पावरफुल ऊपर HDB नाइट्रो, ये एक तगड़ी पावर में है। सेफ्टी लॉक इसका बहुत तगड़ा अलग तरीके से दिखेगा और ये भी सब सेम है। वो उसका NX200 का सेफ्टी लॉक खराब हो सकता है, इसका कभी सेफ्टी लॉक खराब नहीं होगा, सेम वो कंडीशन। नाइट्रो पिस्टन लोड करने की व्यवस्था की बात करें, इसका इजिली लोड होता है, इसका हार्ड लोड होता है और इसके सेफ्टी लॉक पीछे रहेगा तो ये ट्रिगर ऐसे भी वर्क नहीं कर सकता जब तक ये आगे नहीं होगा। इसका फायर करेंगे तो इस तरीके से होता है। इसकी पावर NX200 की अपेक्षा से बहुत ऊपर है। इसकी डिमांड करूंगा, जैसे दो भाई कंफ्यूजन होते हैं NX200 और HDB नाइट्रो में, तो HDB नाइट्रो सबसे बेस्ट है NX200 की अपेक्षा। कलर की बात करें HDB नाइट्रो में सिर्फ एक ही कलर आता है, जिस तरीके से आती है बॉडी, कोई RF कोर नहीं है, कोई सिल्वर बैरल नहीं है। NX200 वालों ने ये चीज बेटर करके बनाई है, हर भाई की डिमांड अलग अलग होती है। इसका स्टॉक ब्लैक है तो बॉडी इसकी RF है, RF का मतलब इस पर जंग नहीं लगता, सेम वो ही सब पैटर्न। प्राइस की बात करें थोड़े से प्राइस सिंपल वाले से हल्के से ऊपर है। स्कोप भी लगा सकते हैं डिस्कवरी का, उसका लगा के लोगे तो डिस्काउंट ऑफर हम आपको ठीक ठाक वाला देंगे। इसमें दो तीन प्रकार के कलर आते हैं, गोल्डन भी आता है और कैमो भी आता है, आप जो भी जिसको कैमो कलर पसंद है और RF पसंद है तो वो भी मिल जाएगा। जिस तरीके से आप कॉम्बो इसका बनाना चाहोगे उस तरीके से ये कॉम्बो इसका बन जाएगा। ये लाइट वेट है HDB नाइट्रो की अपेक्षा, हल्का सा ही, सिर्फ हल्का सा ही, इसमें 200 ग्राम के आसपास वेट करना। अब इनसे ऊपर आएगा थोड़ा सा आर्मर के सभी स्टॉक जो चलते रहते हैं, आर्मर में जो शुरुआत हुई थी मॉडल एक्सट्रीम से हुई थी, एक्सट्रीम का आर्मर में सबसे पहले ये मॉडल आता था, इसका नाम मॉडल 18 करके कुछ रखा था उन्होंने आर्मर वालों ने। अब इससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देके हरिकेन एक्सट्रीम इसको रख दिया है। इसमें वो
पूरा नॉन डिलेक्स किट और डिलेक्स किट हम ऑफिस में अपलोड कराते हैं। नॉन डिलेक्स में ये हट जाता है और ये हट जाता है। अब तो पूरा डिलेक्स किट के साथ हम इसका पूरा कॉम्बो हम आपको सेट करा देंगे, बेल्ट लगा के किसी बाइक को कोई तकलीफ नहीं होगा। और ये इस तरीके से इसका पकड़ने का सभी आर्मर से अलग डिफरेंट है। साउंड कोर भी आप लगा सकते हैं इसमें, ये वाला बेनिफिट आपको मिल जाता है। दूसरे नंबर पे जो इन्होंने निकाला था आर्मर का 350 मैग्नम, ये लाइट वेट में है सभी आर्मर से, जितने भी आर्मर की जो गन है उनमें सबसे हल्का, मतलब वेट में कम सबसे ये है, पर पावर यूनिक है बहुत ज़्यादा। जब ये चलता है तो एक रिकॉइल करता है, आदमी खुद हिल जाता है जब इसको चलाता है। सबसे बड़ी बात साउंड कोर का भी इसमें सभी आर्मर की जितनी भी गन्स हैं उनमें यूज होता है। साउंड कोर सभी आर्मर की एयर गन्स में यूज होता है। स्कोप भी लगा सकते हैं या बिना स्कोप का, जिसका जो बजट है वो भी है। आप जो देख रहे हो सोचें कि बेल्ट कैसे लगा, इसमें बेल्ट की भी सुविधा हम करा के दे देते हैं जो भाई हमें कहता है। इसके बाद इन्होंने रिलीज करा था आर्मर की टोर्नेडो, जो टॉप मॉडल की ब्रांड पे गूंजता है, टॉप ब्रांड पे ये गूंजता है आर्मर की टोर्नेडो। ये प्राइज में सभी आर्मर से ऊपर है और इसकी पावर भी सबसे यूनिक है। इसका लुक एक प्रकार की गैमो राइफल की तरह इन्होंने बनाया था इस तरीके से। इसमें साउंड कोर का भी यूज होता है स्कोप लगाने के बाद इसका पूरा सब। इससे पहले एक ही बिना स्टैंड के आता था, अब इन्होंने स्टैंड को मॉडिफाई किया जिस तरीके से कुछ भाई सोचते हैं कि इसमें पावर कम लगे लोड करने में और धमाका भी पूरा हो। इसमें साउंड कोर भी लग जाएगा और ये तो खैर अलग से लगा था हमने लाइट वाइट के लिए, इसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लुक दिया था। आप लेजर लाइट भी लगा सकते हैं, रेड डॉट भी लगा सकते हैं, स्कोप भी लगा सकते हैं और इसके बट को फोल्ड भी कर सकते हैं। नाइट्रो पिस्टन में पावर इसकी ठीक ठाक वाली है। आर्मर की जितने भी गन्स आती हैं सभी पावरफुल होती हैं। और शुरुआत हम करेंगे अब आगे हम PX पे आएंगे। प्रेसी होल की जो गने आती है सबसे शुरू में, सबसे पहले प्रेसी होल ने ब्रेक बैरल को निकाला था, फिर उसके बाद प्रेसी होल ने इधर से भी ऐसे ही, और ये खुलने के बाद ऑटोमेटिक गिर जाता था, सेफ्टी लॉक भाइयों का खराब हो जाता था। और इसकी बात करें इन्होंने फिर PX 100 के बाद PX 100 एथलीस X1 निकाला, X2 निकाला, X3 निकाला और PX 100 बेंच रेस्ट X3 निकाला। तो ये भी मेरे पास में X2 है। X1 की इतनी कोई डिमांड नहीं है, X2 सबसे बेटर करके बना था PX 100 से। और ये इसकी जो बात करें हम इसका सेफ्टी लॉक अनलॉक करने के बाद इसका जो खाली साउंड आएगा कुछ चीज़ आपको इस तरीके देखने को मिलता है। फिर इन्होंने सप्रेसर के साथ अगला पैटर्न रिलीज करा था। X3 उससे पहले आपने X2 देखा, X3 में क्या अपग्रेड करा है इन्होंने, सप्रेसर का अपग्रेड करा है और इस पे भी इसका ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। X3 स्कोप लगा के इसका कॉम्बो लोगे तो आप डिस्काउंट ऑफर में रहोगे, करीबन 2,000 से 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। विदाउट स्कोप या बिना कॉम्बो के लोगे तो थोड़ा सा इतना ही, फिर उसमें कोई डिस्काउंट इतना नहीं होता। बाकी हम पैलेट हम गिफ्ट करा देते हैं। सप्रेसर भी निकाला बुलबुक में, एक अलग कॉम्पैक्ट बना दिया। हर भाई की डिमांड ज़्यादातर लॉन्ग राइफल की नहीं होती थी, सिर्फ स्मॉल की भी होती है, क्योंकि हर तरीके के भाई होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वेपन पसंद करते हैं। इन्होंने इसका नाम 120 मोनिटर रख दिया है। सेफ्टी लॉक में भी थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जो पहले कमियाँ थी वो अब सुधार दी है। अब कभी सेफ्टी लॉक आपका नहीं मिस हो सकेगा। सबसे जो टॉप सीरीज में इन्होंने निकाला था PX 100 बेंच रेस्ट X3 को निकाला था, उसका कुछ अलग ही पावर दे दिया था। उसके ट्रिगर में भी बहुत चीज चेंज करी थी, करीबन 4 प्रकार का उसमें चेंजिंग किया हुआ था। लगाने पे ये पूरा पैटर्न आपको इस तरीके से दिखता था, आपने बिना स्कोप किए हुए देखा था। उसके ट्रिगर में भी चेंजिंग किया था, उसके बोल्ट जो उसका ऐसे है पूरा जो कोकिंग लीवर वाला होता है इसमें भी चेंज किया। सप्रेसर थोड़ा सा बड़ा साइज का बना दिया, बैरल का थोड़ा सा ऊपर करके इसमें कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। स्कोप लगा के आप बड़े बैटर वाला 3940 से ऊपर का आप लगाओ 416 कुछ करके तो निशाना एक्यूरेट 0.0 पे आपको एक्यूरेसी मिलेगा।
उसके बाद बात करी केमिस्टार ने, इसको थोड़ा सा अलग एक अलग रूप दिया था पावर में, पीएक्स से सबसे ऊपर पावर बनाई थी केमिस्टार वालों ने। इसको भी मैं दिखा रहा हूँ, केमिस्टार की राइफल थी, इसमें इन्होंने ये रबड़ वाला जो पैटर्न आपको प्रेसी होल में खो जाता था, मिस हो जाता था, अब ये उसको उन्होंने प्रॉपरली हटा दिया है। लाइट वेट, सिर्फ पावर ज्यादा है इसमें, बाकी सारा पूरा कंटेंट प्रेसी होल जैसा ही है, ऐसी सप्रेसर इंक्लूड कर दिया ऐसी है। इसकी पावर प्रेसी होल से काफी ऊपर है मेरे हिसाब से, शायद दुगनी ना मैं मानूं। प्राइसिंग की बात करें, सिर्फ हल्का फुल्का इसमें करीबन 1-2 हजार रुपए का ऊपर नीचे अप डाउन होता है, बस प्रेसी होल ऊपर है। होल से सबसे ऊपर आएगी डायना, स्टॉर्म राइडर जैन 3 रेगुलेटेड है, इससे पहले जैन 2 आता था, जैन 2 में बहुत कमियों का सामना अपने भाइयों को करना पड़ रहा था, उसमें जो उसका आपका एयर वाला मीटर था वो यहाँ पे था। जैन 2 की बात कर रहे हैं, जैन 3 में यहाँ पे दे दिया, इन्होंने बैरल बैंड का भी ऑप्शन दे दिया, जो भाई डिमांड करते थे कि बैरल बैंड भी इसका आना चाहिए और इस तरीके से आता है। पर ये मेरा दावा खुल रहा है, जिसने पीएस 100 को चला लिया पीएस प्रेसी होल की राइफल को, उसके बाद इसकी डिमांड करेगा पक्का, क्योंकि इसकी जो ग्रुप है और इसकी जो गोली जब ट्रैवल करती है करीबन आपके लॉन्ग डिस्टेंस के टारगेट को, तो वहाँ पे एक्यूरेसी का सब कुछ खेल होता है, हमेशा पावर का खेल नहीं होता। और इसका बोल्ट भी कुछ इस तरीके से आपको दिखता है रियल जैसा, और इसके आगे किया सिंगल ट्रे भी इसमें यूज होता है जैसे प्रेसी होल में यूज होता है, अब आगे करने पे इसमें सेफ्टी लॉक का भी यहाँ पे तगड़ा एक फीचर है। इस तरीके से साइलेंट मोड चलेगा, पर पावर और एक्यूरेसी सबसे बेटर ही है। जिसने पीएक्स को चला लिया वो पक्की अगली बार डायना जरूर लेगा। और इसकी जो बात करें, आप सोचोगे कि इसके साथ हम क्या क्या कॉम्बो में क्या गिफ्ट कराते हैं क्या नहीं कराते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी तरह। उसके बाद हम कराएंगे डिस्कवरी का 416-42 स्कोप इसके साथ, ये रहा। उसके बाद हम आपको कराएंगे जीटू कंपनी का को भी वन बॉक्स पैलेट हम रिलीज कराएंगे। इसके साथ फिर 3 ही आइटम आएंगे आपको, कैरी कवर आएगा, आपका स्कोप आएगा 416-42 एओसी स्कोप, और आपका डायनास्ट कमरेडर जयंती भी आएगा। डिलीवरी चार्ज टोटल फ्री रहेगा, हिंदुस्तान में अपना भाई कहीं से भी हो वहीं तक पहुंचेगा। इससे ऊपर कोई पैलेट पावर के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में जितनी डेंजरस में पावर होती है, कोई पैलेट इसके मुकाबला नहीं करेगा। आप कहीं से भी उठा के देख लो, इससे ऊपर नहीं होता। एक बॉक्स में आपके 225 आएंगे, इसकी कीमत पर डे पर बढ़ रही है, और अभी इसका स्टॉक ठीक ठाक आ चुका है, इस तरीके से आपको मिलेगा। बात करेंगे डायना स्टॉर्म राइडर से, ऊपर आएगा आपके बाद डायना आउटलॉक। डायना आउटलॉक आएगा, ये स्टॉर्म राइडर से पाराइज में भी ऊपर है, एक्यूरेसी में भी ऊपर है और पावर में भी ऊपर है। डायना स्टॉर्म राइडर फायर करेगा उससे करीबन मेरे हिसाब से करीबन ठीक ठाक वाली 150 के समथिंग ये एक बार फुल होने पर फायर करेगा। तो इसका पूरा कॉम्बो वही देंगे आपको, कवर देंगे, स्कोप देंगे और एक डब्बा पैलेट्स का गिफ्ट करेंगे, डिलीवरी चार्ज टोटल वो फ्री रहता है। इसके बाद करें डायना में, एक मॉडल और आता है डायना 260, डायना 260 है, सारे कहीं से प्राइस करके आप मेरे पास कॉल करोगे, इसका प्राइस सभी गन हाउस की अपेक्षा में डिस्काउंट ऑफर ठीक ठाक वाला दूंगा। ब्रेक बैरल है, नाइट्रो पिस्टन पे आती है और इसमें सेफ्टी लॉक भी पीछे होता है। सभी कहीं से भी प्राइस करने के बाद जहां भी आप पता करोगे सबके प्राइस, इसके इससे प्राइस उससे भी ठीक ठाक कम में मैं आपको रिलीज कर दूंगा। जो डायना का ग्रुप सिस्टम होता है और पावर होती है, उसका जो सबसे बड़ी खासियत है, इनमें जब निशाना लगाते हैं तो उसमें एक रेडियम का यूज करते हैं इसकी इसके एम में, जो आपको नाइट में भी दिखेगा, इसमें भी यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्रीन। आपको एम बनाने में अंधेरे में जब रात होती है तो निशाना डायरेक्ट आपका हिट लगेगा, स्कोप भी लगा सकते हैं। सभी कहीं से प्राइस पता करके आप मुझसे प्राइस पता करो, इसके प्राइस ठीक ठाक लगाएंगे आपको ओनली कम। केमिस्टार वाले कुछ अपनी पैकिंग इस तरीके से देते हैं, आप उसका कवर आएगा, उसका लॉक आएगा, उसकी पूरा ब्रांडिंग आएगा, इसमें आपकी 2 मैगजीन आएगी केमिस्टार वाले में, और कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड हो जाता है केमिस्टार। आर्मर का सभी स्टॉक आ चुका है, आप देख रहे हैं जो भी डिस्प्ले के माध्यम से, स्कोप लगाओ, रेड टोल लगाओ, जैसा आपको बेनिफिट लगे, जिस चीज में आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से जो भी उम्मीद है, मैंने आपको ठीक ठाक वाली राइफलें दिखाई हैं, और इनमें से कौन सी पसंद आपको आई है, क्योंकि हर प्रकार की कैटेगरी की राइफलें मैं आपको इस वीडियो में हमने बताया है कि हर तरीके की राइफलें आती हैं, और चाहे लोएस्ट बजट में हो चाहे कॉस्टली में हो, हर तरीके का वेपन हमारे पास मिल जाएगा। अभी FX के 1-2 दिन में लैंडिंग होने वाली, FX की जो बुक कर सकता है आप बुक करवा लो, ऑल इंडिया ओवर हम डिलीवरी कराएंगे उसकी भी। इंपोर्ट राइफल में जो इंडिया में रिलीज होती है वो सभी हमारे पास मिल जाएगी, सिर्फ एक ही मिनिमम कंटेंट हम आपको बना के दिखा रहे हैं। कॉन्टैक्ट मेरे वही है, आप देख सकते हैं LVC रेकन हाउस का बोर्ड लगा हुआ, इसमें 2 कॉन्टैक्ट है 7465069988,
और दूसरा है 7830006998। इस पे कॉलिंग व्हाट्सएप टोटल रहता है 24 आवर। आप हमें कॉल करोगे तो टाइमिंग से हम कॉल उठाएंगे, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5:30 तक हम कॉल उठाएंगे। अगर आपने रात में भी हमें कॉल किया तो अगले दिन हम आपको कॉल रिटर्न बैक कॉल जरूर करेंगे। तो एल्विस एरगन हाउस, कुछ इस तरीके से आपको ये कंटेंट आपको दिखा, उम्मीद है यह वीडियो आपको टोटल आपके किसी काम आएगी। आपके नहीं काम आ रही तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हो, और उनको आपको वेपन सीरीज से प्यार नहीं तो आपके दोस्तों जरूर होगा, तो वहाँ पे ये कंटेंट आपको पूरा काम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ लेते हैं एंडिंग और मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। सभी दोस्तों से लेते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके एवरीवन।